रविंद्र जडेजा की होने जा रही है तीसरे टेस्ट के मुकाबले में वापसी के राहुल होने नहीं वाले हैं खबरें आ रही है ध्रुव जरेल का डेब्यू हो सकता है सरफराज खान का डेब्यू हो सकता है तीसरे टेस्ट के मुकाबले में जो कि होने वाला है पंद्रह फेबर से शुरू राजकोट में ये मुकाबला होने वाला है इंग इंडिया और इंग्लैंड दोनों ही टीमों के लिए सबसे अहम मुकाबला होगा क्योंकि से लीड लेकर अगले में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं पिच किस तरह से बिहेव करने वाली है दोनों टीमों में किस तरह के बल्लेबाजों को मदद मिलने वाली है स्पिन टर्निंग विकेट होने वाली है या पेसर्स के लिए कुछ रखा हुआ है नहीं रखा हुआ यहाँ पे कई सारे सवाल जवाब यहाँ पे इस मुकाबले को लेकर खड़े हुए हैं बिल्कुल इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की, साथ की दबदबा हो सकता है साथ ही साथ मोर इंपॉर्टेंटली कौन वो मैच अपने नाम करने वाला है क्योंकि लीड यहाँ से कोई जो भी टीम लेगी उसके लिए सीरीज कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर हो जाएगी फिर सीरीज में जीत उनके लिए स्लाइटली हो जाएगी और कौन नहीं चाहिएगा इस क्रुशियल मुकाबले में जीत पाना और ऐसे में प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन भी अगर आप इंडियन टीम के देखेंगे तो यंगस्टर से भरी हुई टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है सरफराज खान ध्रुव जुरेल दोनों का ही डेब्यू हो सकता है एक बारी फटाफट नजर डालते हैं टीम इंडिया की इस प्रोबेबल प्लेइंग पर रोहित शर्मा वहाँ पे कप्तान होने वाले हैं यशस्वी जायसवाल जो डबल हंड्रेड मार के आए हैं शुभमन गिल जो सेंचुरी मार का, मार कर आए हैं रजत पटेदार वहाँ पे होंगे सरफराज खान होंगे ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा के एस भरत की जगह अक्षर पटेल रविचंद्रन अश्विन कुलदीप यादव या रविंद्र जडेजा दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा और स्लाइट चांसेस हैं कि जडेजा ही वहाँ पे स्क्वाड में होंगे जसप्रीत बुमराह साथ ही साथ मोहम्मद सिराज की भी हो सकती है प्लेइंग एलेवन में वापसी कहीं ना कहीं ये आपकी जो है इस समय इंडिया की लाइकली प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन हमें नजर आ सकती है क्योंकि कहीं क्यों ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पे ऑब्वियसली दिग्गजों का ये मानना है कि यहाँ पे सिर्फ एक पेसर के साथ चार स्पिनर के साथ जाया जा जाए जा क्योंकि टीम इंडिया अपने दूसरे पेसर का इस्तेमाल कर नहीं रही है पहले मुकाबले राज से सिर्फ छह सात ओवर निकलवाए और मुकेश से कुमार से भी कुछ ही ओवर्स निकलवाए गए थे लेकिन हम जानते हैं कि टीम इंडिया शुरुआत से दो पेसर के साथ जाती ही जाती है ऐसे में सिराज की वापसी होना कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है तो जडेजा वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं है कि शायद कुलदीप को बाहर जाना

फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 593 है बिल्कुल इसी के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ इसी मुकाबले में इसी सीरीज में कुलदीप यादव जिन्होंने फाइवर लिया था उन्होंने भी पिच रिपोर्ट वहां पे बताई है थोड़ी घास वहां पर नजर आ रही है पिच में तो कुलदीप यादव का मानना है कि इतना रैंक टर्नर नहीं होने वाला है लेकिन एक बीसीसीआई अधिकारी का भी बयान सामने आया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि स्पिन को स्लाइटली मदद होने वाली है और बढ़िया बैटिंग पिच भी देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं सेकेंड पिच जो हमने दूसरे मुकाबले में देखी थी वैसी कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे एंड ऑब्वियसली जब मुकाबला स्टार्ट होगा पहला दिन होगा वहां पे जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करने आएगी उनको स्लाइटली एडवांटेज है ऐसा ही रिकॉर्ड्स कहते हैं जैसा कि मान्य ने बताया भी कौन टॉस जीतेगा बहुत क्रूशल रहने वाला है क्योंकि अगर आप इस सीरीज को ओवरऑल देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये तीसरा मुकाबला राजकोट का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहां से आप जब चौथे मुकाबले पांचवें मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी इंजरीज क्या है कौन कौन टीम में वापस आया बहुत क्रूशल रहने वाला है डिसाइडिंग मेकिंग में क्योंकि किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंग्लैंड टीम इतनी तैयार होकर आएगी कि पहला ही मुकाबला अपने नाम कर लेगी लेकिन इंग्लैंड टीम ने वो करके भी दिखाया पहला मुकाबला अपने नाम भी करा और साथ ही साथ बहुत प्रिपेयर्ड भी नजर आया ऐसे में इंडियन टीम को भी बहुत प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा हर मैच से पहले प्लेइंग इलेवन की बात करें या फिर वहां पे टॉस जीतने की बात करें सब कुछ सोच समझ कर इंडियन टीम को करना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं देखना हुआ कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी हाईलाइट किया कि टॉस हर गेम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस मुकाबले में भी होगा हमने अभी यहाँ पे जो है स्टार्ट भी देखी कि टीम जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करी है टॉस जीत कर वो मुकाबला जीती है टीम इंडिया ने मुकाबला जीता था ऐसे में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं होगा टॉस हाथ में नहीं है लेकिन टॉस जो भी टीम जीतेगी टीम इंडिया के यहाँ पर डिसाइडर कहीं ना कहीं रह जाएगा कि अगर टीम इंडिया टॉस जीती तो आधा मुकाबला वहाँ पर अपने नाम कर लेगी क्योंकि दूसरा मुकाबला जो टेस्ट में टीम इंडिया जीती भी है वो भी पहले बल्लेबाजी करने के बाद ही टीम इंडिया जीत पाई है वहाँ पर आखिर जब चेज़ करने के लिए इंग्लैंड आई थी तो वो मुकाबला हारी थी ऐसे में टॉस बहुत ही क्रिशियल होने वाला है लेकिन बाकी आपकी इस बारे में क्या कमेंट्स में जरूर बताइए और साथ ही तूफान तो स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए